सरकारी संस्थाओं की फेक वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले इंडो नाइजीरियन गैंग के सरगना समेत चार को रेंज साइबर थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 लैपटॉप, POS स्वैप मशीन, 75 बैंक पासबुक, 40 ATM कार्ड, 2 दर्जन चेकबुक समेत अन्य सामान किया बरामद। गिरफ्तार किए गए शातिरों में गुरुग्राम के मानेसर रोड स्थित 4.1 स्ट्रीट में रह रहे नाइजीरियन गुड्स टाइम संडे उर्फ बेंसन, गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी तरुण यादव, संभल के असमोली में महमूद नगर निवासी आसिफ और संभल में नवाबपुर निवासी जसपाल शामिल है। ये शातिर अब तक साइबर अपराध से ठग चुके हैं करोड़ों रुपए। संवाददाता अर्पित राजावत। जनपद आगरा में जो परिक्षेत्रीय साइबर थाना है, वहाँ पर प्रताप सिंह चाहर जो कि पूर्व सैनिक हैं, उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया कि कुछ लोगों ने उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर फोन किया था और उन्हें ये बताया था कि जो उनके पास इंश्योरेंस के खाते हैं वो फर्जी हैं और इसको रेगुलराइज करने के लिए अगर वो कुछ निश्चित धनराशि उनको देंगे तो उसके एवज में उनको एक बड़ा इकोनॉमिक गेन होगा। इस आशय का मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जो रेंज साइबर सेल की हमारी टीम है उसने इस पर काम करना शुरू करा और जब काम करना शुरू करा तो इसमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आए कि ये पूरा जो अपराध है वो साइबर क्राइम का अपराध इंडो नाइजीरियन गैंग के द्वारा किया गया था, जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी शामिल है और उसके अलावा 3 भारतीय मूल के नागरिक हैं। और इसके साथ साथ जब इस पर विभिन्न टेक्निकल टीम्स के द्वारा उनके लैपटॉप्स वगैरह जो उनके पास से बरामद हुए हैं उसको जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसमें फ्रॉड हुआ है और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं और करोड़ों की धनराशि जो है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न खाताओं में प्रेषित की गई है।